दीदी हम गेल रहिए डोमनी दीदी के यहाँ बैगन के बीज उपचार के बारे में समझे के लिए, जे कि डोमनी दीदी बहुत अच्छा तरीका से हमरा बतेलके बैगन बीज उपचार करे के बारे में। यहाँ आर के अगर सीखे ले चाहे छे तो हम यहाँ के बहुत अच्छा तरीका से बता देब। ना हमरा घर पर एबे हमरो बता देबे सिखा देबे तो हम सीख जेबे, तो और दीदी के हमहू सीखेबे बतेबे और दीदी सब सीख लेते तो वो सब करते। हाँ दीदी जरूर यहाँ के घर पर हम जाके बता देब बैगन बीज उपचार करे के बारे में। ठीके छे दीदी हमें जाए छे, डोमनी दीदी बोलेलके नर्सरी बेड के बारे में विधि बदलते। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। अभी हम तुरंत मीटिंग से आयल छे यहाँ, वो दिन कहने रही नर्सरी बेड के बारे में बतेबे तो चलू न बतेबे। हाँ भैया चलू बता दे। चलू एक मिनट दीदी, कुछ सामग्रियो लाए छे? हाँ भैया सामग्री सब नैन के घर में रखल छे, हम अहाँ के नैन के बता दे। जाओ लाबू जी। भैया ये 10 ग्राम उपचार बीज छे। 10 ग्राम उपचार बीज छे दीदी? हाँ भैया। हाँ दीदी। भैया कोदाल छी। कोदार के कौन काम है दीदी? कोदार वो बेड बनबे के लिए चाले कोरे के लिए छे भैया कोदार। ई काम है छे। ई खुरपी छी। खुरपी के दीदी कौन काम है छे? खुरपी के छे बर्मी कंपोस्ट छीट के चाले के लिए। बर्मी कंपोस्ट। ई फीता छी। ओ फीता कौन काम है छे दीदी? फीता के 5 इंच ऊपर ना चौला ऊपर नापे छे। हां दीदी। ई छे फट्टी। फट्टी छी दीदी? हां भैया लंबा चौड़ा नापे के लिए। ये बर्मी कंपोस्ट छी। बर्मी कंपोस्ट छी। एकर कौन काम है दीदी? बर्मी छीटे छे जब बीज उ छीटे छे उ अथी में तो एकरा छीट दे छे उपचार के बीज में। हां दीदी। ये पुआल छी। ये पुआल छी भैया। पुआल छी दीदी। हां एकर कौन काम है छे? अथी जे नर्सरी बेड का झापे के लिए। हां दीदी। आ ई फट्टी छिए ई बत्ती छत्ती दे। ई बत्ती के कोन काम है छे? छत्ती दे छे भैया। बत्ती के ई छे पन्नी। आ ई पन्नी छिए? हां भैया। पन्नी के कोन काम है छे? छत्ती पर ई पन्नी के दे छे। भैया ई सब के नर्सरी बेड बनबे में काम छे खेत पर, चलू आब अहाँ के ई सब सामान ला के बतबे। हाँ दीदी चलू। चलू भैया ई जगह जब नर्सरी बेड बनबे ले चुनलिए यह के लिए से ऊंचा जगह छे, पानी नहीं लगे छे और धूप अच्छा से लगे छे, यहाँ के लिए हम जब जगह। दीदी धूप लागे के चाहिए, छायादार नहीं होना चाहिए? नहीं। और जल जमा वाला जगह नहीं होना चाहिए दीदी? नहीं। ये सब ध्यान रखे पड़ता है? हाँ। अच्छा ठीक है दीदी सब ध्यान रखबे। भैया नर्सरी बेड बनबे ले जे छे से 3 मीटर लंबा 1 मीटर चौला। हाँ नाप के एकरा आ कोदाल से कोरनाय छे। भैया ई जे छे जमीन 3 मीटर लंबा आ 1 मीटर चौड़ा। भैया दीदी 3 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। हाँ भैया। भैया थोड़ा मदद कर देब? हाँ दीदी मदद किया न करब लाबू। देखियो दीदी कोर रहल छिए। हाँ हाँ भैया एहना करना छै। एहना करना छै दीदी? हाँ भैया। भैया ई नर्सरी बेड तो बन गेलै, खर पतार जे रहै सबके ठोकरा ओल देलिए। हाँ दीदी। तब जे छै भैया नालियो बनबे के छे। नालियो बनेने छे दीदी? हाँ भैया। नाली तो बनाए देलिए दीदी। बन गले भैया? हाँ। आ बाबू यहाँ एकरा कुछ जमीन से ऊंचा नापे के लिए चाहे छे तो हम आप नापबे दीदी। हाँ ई जे छे भैया नर्सरी बेड
से जमीन से 5 इंच ऊंचा रखे के दीदी। 5 इंच है? हाँ भैया, 5 इंच है। ठीक है दीदी। दीदी नाली कथी खातिर रख लिए चारों साइड? दीदी 5 इंच ऊंचा कथी खातिर रख लिए? बारिश जो हेतु से बारिश के पानी ये नर्सरी बेड पर नहीं लागत और नाली के द्वारा पानी निकल जाते रख लिए दीदी। हाँ भैया यही खातिर। ठीक। देखो भैया वर्मी कम्पोस्ट हमें छिटे छे, भैया कनटा मदद कर देवे ने? हाँ दीदी मदद क्या ना करबे, लाबो हम छिट दे छी। देखो भैया आब मिलल अथी भए गेल छिटल, आब एकरा खुरपी से मिलेनाय छे। हो मिलेनाय छे दीदी? हाँ भैया तो मिलबू। देखो भैया आब खुरपी से एकरा ऐसे मिलेनाय छे। हाँ दीदी एहना मिलेनाय छे? हाँ भैया एहना मिलेनाय छे। मिलबू दीदी। देखियो भैया आब वर्मी कम्पोस्ट जे छै खुरपी से मिलाल भए गेलै, आब अहाँके हम बतबै छी उपचारित बीज केना छिटल जेतै। हाँ बतबू दीदी। देखियौ भैया आब जे छै हम उपचारित बीज गिरबै छियै। हाँ ई उपचारित बीज जे छै भैया ई हमेशा ध्यानमे रखनाय छै से। हाँ दीदी ई बीज पर बीज नहि पड़ैक चाही। इहो बात दीदी ध्यानमे रखनाय छै। हाँ भैया इहो बात ध्यानमे रखनाय छै भैया, बीज पर बीज नहि गिरै के इएह अथी हेतै से ओकर पौधा जे छै से फ्रेश हेतै। हाँ दीदी पौधा फ्रेश हेतै और डंटल ठीक रहतै और उखाड़े में बहुत आसान हेतै। तब तो ठीके छै दीदी, ये बात तो ठीके कहलिए। हाँ देखियो भैया आब बीज तो गिर गेलै, आब बीज के एना मिलेनाय छै। एना हाथ लग मिलेनाय? हाँ भैया हाथ लग मिलेनाय छै। आए हम बड़ी दूर से समझाने दीदी, हमार बात मान जइयो, सब दीदी मिल के बीज उपचार करियो, सब दीदी मिल के बीज उपचार करियो, बीज उपचार करियो दीदी, नर्सरी बेड बनाई हो। आए हम बड़ी दूर से समझाने दीदी, हमार बात मान जइयो। देखियो भैया ई जे छै आब हाथ से मिलाल भए गेलै। हाँ दीदी आब जे छै एकरा आब की करबै? आब की करबै ई जे फंठी छै। हाँ फंठी से हल्का सा एकरा मिलेनाय छै। हल्के सा मिलेनाय छै? हाँ भैया हल्के सा मिलेनाय छै। ऐसे की होइ छै हल्का सा मिलेनाय? की होइ छै से बीज जे छै से बीज अंदर कम बैठै छै। कम बैठै छै? हाँ भैया। अच्छा ठीके छै दीदी। हाँ भैया एगो बत्ती तो गाड़ि देलिए, ई दूसरा बत्ती गाड़ै छियै। हाँ दीदी गाड़ियो। दीदी बत्ती गाड़ने से की हेतै? बत्ती गाड़ने से इएह हेतै भैया, बरसात के टाइम छै, नर्सरी बेड के बचबै के लिए पन्नी से ढकबै। पन्नी से ढकबै? हाँ भैया। आ एक मिनट दीदी पुआल तऽ देनाइये पर भूल गेलियै भैया, पुआर एहि खातिर नहि देलियै अखनी गर्मी के टाइम छै। हाँ दीदी वैसे पुआर नहि देलियै, जे ठंडी के टाइम अइतियै तब पुआल देतियै से पल्ला से बचतियै। दीदी आब की करबै? आब जे छै भैया एहि पर पन्नी से ढकबै एकरा। पन्नी से ढकबै? हाँ देखियो भैया आब जे छै आब तऽ ई ढकाय गेलै। हाँ दीदी दीदी नर्सरी बेड तऽ बनाय लेलिए, आब एहिसँ की लाभ छै? भैया नर्सरी बेड के इएह लाभ छै से अंकुरण अच्छा आबै छै बीज के और पौधा स्वस्थ रहै छै। ओ इएह लाभ छै दीदी? हाँ भैया इएह लाभ। दीदी कुछ भैया दीदी के संदेशो दै लए चाहै छियै? हाँ हाँ भैया संदेश जरूर देब। दीदी भैया से इएह निवेदन छै कि जे भी किसान भाई दीदी खेती करतै तऽ बीज उपचार करके नर्सरी बेड बनाए कऽ बीज लगाए कऽ आओर खेतमे लगेतै। ठीक छै दीदी। ठीक सब दीदी भैया के इएह कहनाय छै से जब भी बैगन के नर्सरी बेड बनेनाय छै तऽ चारि मुख्य बिंदु के हमेशा अपनेनाय छै। पहला की छै से नर्सरी बेड जमीन से 5 इंच ऊंचा रखनाय छै। दूसरा मुख्य बिंदु छै से नर्सरी बेड के चारों तरफ नाली रखनाय छै। तीसरा छै नर्सरी बेड मे से बैगन के बीज पर बीज नहि गिरनाय छै। चौथा छै से पुआल से चाहे पन्नी से ओकरा ढकनाय छै।
दीदी कुछ सावधानियों अपने नहीं छे? हाँ भैया, सावधानी अपने नहीं छे भैया। नर्सरी बेड के सावधानी यह छे, कहाँ चुनाव करना है, जहाँ जल नहीं जमा हुए। हाँ दीदी। हाँ, जहाँ जल नहीं जमा हुए और छायादार नहीं रहे जमीन, वहाँ छायादार बहुत देर तक नहीं रहे। दीदी यहाँ अपन कीमती समय दे के नर्सरी बेड के बारे में बतेलिए, एकरा लिए धन्यवाद। धन्यवाद भैया। हाँ, और की छे जे आप जे छे हमू नर्सरी बेड के बारे में समूह और भियो के मैं जाके बतेबे। ठीक है, ठीक है भैया, चलो।